देख लेते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे और वहां समीक्षा बैठक लेंगे और इसके बाद वो झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंचेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री गढ़वा जिले के विकासखंड मुख्यालय भवनाथपुर हाई स्कूल में जिला पालुम के चयन प्रोग्राम में एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम को रांची में अशोकनगर कैंप कार्यालय पर लोगों से चर्चा मुख्यमंत्री बघेल करेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और जो लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रगति कर रहा है, उन तमाम चीजों का जिक्र और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं जो चरम पर हैं उनको भुनाने की कोशिश झारखंड के चुनाव में भी की जाएगी। और जिस तरह से कर्ज माफी के को लेकर, और हालांकि कर्ज माफ किया भी गया किसानों का छत्तीसगढ़ में, और जो क्रेज मुख्यमंत्री का देखने को मिल रहा है, तो उन तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश रांची में भी की जाएगी। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन से सहयोगी जुड़ गए। हेमंत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रांची में दौरा करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी के पक्ष में झारखंड में माहौल भी बनाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि 30 नवंबर से जो झारखंड का पहला चरण का चुनाव है वो वहां पर होगा। वहां पर जो पहले चरण के मतदाता हैं वो वहां पर वोटिंग करेंगे। तो ऐसे लिहाज में आज 27 तारीख है, तीन दिन, दो दिन वहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये कोशिश है कि वहां पर जाकर कम से कम 3 से 4 सभाएं ली जाए, क्योंकि झारखंड से ही लगा हुआ राज्य है, झारखंड लगा हुआ राज्य है, छत्तीसगढ़ से है, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं वहाँ पर खासे संख्या में जो ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं वो वहाँ पर हैं। तो उन वोटों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर करेंगे। 3 सभाएं उनकी होंगी, इसके अलावा छोटे छोटे और सभाएं वो कर सकते हैं, कुछ बड़े नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वो बलरामपुर के भी दौरे पर रहेंगे, वहाँ पर समीक्षा बैठक यहाँ पर जिला मुख्यालय में होगी। तो इस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा, और ये कोशिश कांग्रेस की वहाँ पर हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, क्योंकि झारखंड लगा हुआ राज्य है और यहाँ से करीबन 4 से 5 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री गृह मंत्री तामधर साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएन सिंहदेव और मंत्री शिव ढरिया को वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया गया था। इसके अलावा जो यहाँ एमएलए है विकास उपाध्याय, उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में काफी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को झारखंड चुनाव को लेकर मिली है। तो ऐसे में उस एक तरीके से देखा जाए तो उस चुनौती को एक्सेप्ट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा, और वो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर दौरा करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।